हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मालिका अग्रवाल फ्रॉम डिवाइन सेंटर पाटुवा स्पिरिचुअलिटी। तो अगर आपने वीडियो अभी तक लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस टाइम टू टाइम मिल जाए। कई लोग कहते हैं कि हमने सब्सक्राइब करा हुआ है लेकिन हमें वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं आ रहा। उसके लिए आपने अपने यूट्यूब चैनल के सेटिंग्स में जाके देखिए, आपने नोटिफिकेशन ऑफ कर रखा होगा इसलिए आपको वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे, उसको ऑन कर लीजिए। रेड बटन है वहाँ पे सब्सक्राइब का, वो आपको सब्सक्राइब करना है। वो आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन करा हुआ है कि कैसे आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे रेकी के डिफरेंट प्रोटेक्शन मेथड्स के। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो रेकी के बारे में जो भी मैं आपको बता रही हूँ, आपको पास रेकी अटेनमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हमने प्रोटेक्शन मेथड्स तो बहुत सारे हैं जो हम कुछ बिना रेकी के भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले वीडियोस में बहुत बता रखे हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं, चैनल को स्क्रॉल डाउन करिए, आपको वहाँ पे बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, वो देख लीजिए, क्योंकि सेम टॉपिक को बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्शन मेथड्स फॉर रेकी हीलर्स, फॉर द पीपल हु आर अट्यून टू रेकी और द पीपल हु वॉन्ट टू लर्न रेकी एंड दे गेट अट्यून टू द रेकी। सबसे पहले तो हम फर्स्ट लेवल पे जो करते हैं वो हम वाइट लाइट प्रोटेक्शन करते हैं, जिसमें हमने प्रे करना है यूनिवर्स को कि वी नीड प्रोटेक्शन ऑफ द ऑरा ऑफ ऑल द लेयर्स। विजुलाइज करना है कि वाइट और गोल्डन लाइट हमारे हाथ में आ रही है और अपने बॉडी को पूरा कवर करना है, और वी हैव टू विजुलाइज कि हमारी पूरी बॉडी के आगे वाइट लाइट की लेयर्स बन गई हैं और हमारा एथरिक लेयर जो है ऑरा का, मेंटल लेयर जो है, फिजिकल लेयर है, वो सारा, सेवन लेयर्स होती हैं ऑरा की, वो सारा का सारा प्रोटेक्टेड है और किसी बाहरी एनर्जी का कोई क्लैश हमारे बॉडी में नहीं हो रहा है। सेकेंड मेथड है बबल में अपने आप को पैक करना, यानी कि पर्पल रंग का आपने विजुलाइज करना है कि ओवल शेप में एक अंडाकार बबल बन रहा है, पूरा अंडाकार शेप में पर्पल रंग का, पूरी तरह से पर्पल में है और आप उस पर्पल रंग के बबल के अंदर पैक्ड हैं और आपके ऑरा के अंदर सिर्फ वही लोग हैं जो आपको ब्लेस कर रहे हैं, जैसे कि गॉड हो गए, गॉडेसेस हो गए, ये सारे के सारे जो स्पिरिचुअल गाइड्स हैं वो हैं, बाकी सब लोग आपके ऑरा के बाहर हैं। दो मेथड हो गए प्रोटेक्शन के जो आप फर्स्ट लेवल पे यूज कर सकते हैं। तीसरा प्रोटेक्शन मेथड होता है जो आप हर लेवल पे यूज कर सकते हैं, क्रिस्टल ब्रेसलेट को चार्ज करके पहनना, ताकि कोई भी एनर्जी अगर सीवियर अटैक करती है तो वो क्रिस्टल ब्रेसलेट अपने पे ले लेता है। क्रिस्टल मालों को पहनना, जब आप हीलिंग कर रहे हैं वैंड्स का यूज करना, डायरेक्ट हैंड से हीलिंग्स नहीं करना। जब आप डिस्टेंस हीलिंग कर रहे हैं तो प्रॉपरली आप सिंबल्स ही ले सकते हैं प्रोटेक्शन। अगर आप सेकंड लेवल पे आ गए हैं तो सबसे पहला प्रोटेक्शन हम सिखाते हैं चौकोरे का, बड़ा सा एक चौकोरे बनाना है, उस चौकोरे के जो नीचे का जो नोक है उससे विजुलाइज करना है कि पूरे रेस एंड वाइट लाइट निकल रही है, पूरे बॉडी को कवर कर रही है और कंप्लीटली वो चौकोरे आपके बॉडी के चारों तरफ बना हुआ है और यू आर कंप्लीटली सेफ एंड प्रोटेक्टेड अंडर द चौकरी, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। ये बोलना जरूरी होता है ताकि आप हर लेवल पे प्रोटेक्टिव रहें। इमोशनल एनर्जीज भी क्लैश कर जाती है, फिजिकल एनर्जीज भी क्लैश कर जाती है, मेंटल लेवल पे जो एनर्जीज होती है कई लोगों की वो क्लैश कर जाती है। कई बार आप देखते होंगे आप किससे बात कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक चल रहा है और अचानक उससे बात करने के बाद आपको एंग्जाइटी होने लगता है, आपको कुछ ये लगने लगता है कि कुछ एंग्जाइटी हो रहा है, कुछ फियर हो रहा है, आपको समझ नहीं आता कि वो अचानक से कहाँ से हुआ, बोर होने लगे, तो वो कहीं ना कहीं दूसरे की एनर्जी क्लैश करती है। तो आप ये सेकेंड लेवल पर प्रोटेक्शन यूज कर सकते हैं। सेकेंड लेवल पे एक और मेथड है तीनों सिंबल से प्रोटेक्शन करना, मतलब तीनों सिंबल का एक लेयर्स बना लेना और वो आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। घर को भी आप ऐसे ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हंसा जी शोलन से पूरे घर को कनेक्ट करिए, घर के हर कॉर्नर पे चौकोरे और बाहर पूरे चौकोरे की लेयर बना दीजिए, ये आपका सेकेंड लेवल पे घर पे आपका प्रोटेक्शन होता है। थर्ड लेवल पे जब हम आते हैं तो हमको मास्टर सिंबल मिलता है जो कि हाईएस्ट और स्ट्रांगेस्ट सिंबल होता है, डाइकोमियो। हम डाइकोमियो, अब डाइकोमियो से कैसे प्रोटेक्ट करना है, एक तरीका तो सिंपल है, डाइकोमियो को आपने पूरी बॉडी पे बनाया और पर्पल लाइट और व्हाइट लाइट से कवर करा अपनी बॉडी को, दैट इज द डाइकोमियो प्रोटेक्शन एट द थर्ड लेवल। एक और हम बनाते हैं पिरामिड प्रोटेक्शन, जिसमें हमने क्या करना है, हमने डाइकोमियो बनाना है अपनी बॉडी पे पूरा, डाइकोमियो डाइकोमियो डाइकोमियो, और फिर हमने अपने आप को पिरामिड प्रोटेक्शन देना है इस तरह से करके, ठीक है। जैसे पिरामिड इस तरह से आप बनाते हैं, एक पिरामिड ऊपर बनाया और एक पिरामिड नीचे बनाया, मतलब कि आप पिरामिड में वैसे भी एनर्जीज बहुत ज्यादा होती है तो आप पिरामिड प्रोटेक्शन दे रहे हैं। एक और तरीका है, तीसरा मेथड है, आपने पूरा जमीन पे एक सर्कल बना दिया, उस पर डाइकोमियो बना दिया, वो सर्कल डाइकोमियो का बना लिया, आप उसके सर्कल के अंदर जाके खड़े हो गए और विजुलाइज करा कि उस सर्कल से पूरी एनर्जीज उठ के आपकी बॉडी को कवर कर रही है। फोर्थ तरीका है
ये आपने हर तरीके के साथ इस्तेमाल करना है, जिसको हम कहते हैं ग्राउंडिंग। अगर हम हमारी जो बॉडी है वो अर्थ एनर्जी से बनी हुई है, अगर हम अर्थ एनर्जी से ग्राउंडेड रहते हैं तो हम ऑटोमेटिकली अर्थ के साथ जुड़े रहेंगे, हमारी एनर्जीज हमारी अपलिफ्ट होके, मतलब अपलिफ्ट होना अच्छी बात है लेकिन बॉडी से। ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कैसे करनी है ये भी मैं एक वीडियो में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर मैं दोबारा बता देती हूँ। आप आईज क्लोज करेंगे, विजुलाइज करेंगे आपके रूट चक्रा से ट्रीज की तरह पूरी रूट्स निकल रहे हैं और वो अर्थ में जाके कनेक्ट हो रहे हैं और आप कम्प्लीटली सेफ हैं, कम्प्लीटली अर्थ एनर्जीज के साथ कनेक्टेड हैं। ये होता है ग्राउंडिंग। तो ये सारे आपको कैसे लगे अजमाइए और बताना मत भूलिए, और बाकी हम आपके पास और भी टॉपिक्स पर लेकर आएंगे। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा या मुझे आप पीएम कर सकते हैं कि आप किस टॉपिक पर चाहते हैं कि वीडियो बनाएं हम। अगर आप अलग से बात करना चाहते हैं, सेपरेट कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो उसके चार्जेस एप्लीकेबल हैं। थैंक यू सो मच।